हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी परीक्षाओं के लिए। इजी ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, टॉप 5 क्वेश्चन है। इस वीडियो में 5 क्वेश्चन हम करेंगे, तो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो हम दो तरह से सॉल्व होता है इस टाइप का क्वेश्चन। या तो इस तरह से हल होगा, इसमें क्या ट्रिक लगाएं जो 19 बन जाए, या फिर इस तरह से होगा। कैसे पता चलेगा हमें ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व होना है या बाएं से दाएं की ओर होना है? तो सबसे पहले देखिएगा, अगर संख्याएं ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रही हैं तो समझ लीजिएगा ऊपर से नीचे की ओर ट्रिक लगेगी। अगर इधर की ओर बढ़ रही हैं तो ऐसे ट्रिक लगेगी। तो देखिएगा, बाएं से दाएं की ओर संख्याएं बढ़ रही हैं तो ट्रिक हमारी इस तरह से लगेगी। अब ये तो हमें पता चल गया ट्रिक इस तरह से लगेगी, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखा, 18 और 5 में हम क्या करें जो 19 बन जाए, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 18 इंटू 5 इक्वल कितना हो जाएगा, 19। सीधा सीधा 18 की गुणा 5 में की हमने, तो 19 बन जाएगा। इसी तरह 13 की मल्टीप्लाई हम 11 में करेंगे तो 143 बन जाएगा। इसी तरह तीसरे वाले में भी हम यही करेंगे, 12 की इंटू करेंगे हम 9, तो 12 इंटू की 9 हो जाएगा हमारा 108। इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 की गुणा जब हम 9 में करेंगे, 12 इंटू 9 जो आ जाएगा 108। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड, देखिएगा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसकी बहुत सारी ट्रिक है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल के देखेंगे। डिफरेंस से अगर क्वेश्चन सोल्व होता है तो ठीक है, वरना कोई और ट्रिक लगाएंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस निकाल के देखते हैं, 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फिर हम यहाँ पर भी घटा के देख लेंगे कितना आएगा, 23 - 33 आ जाएगा 10। तो यहाँ देखिएगा 2 के बाद 4 गया, यानी कि 2 एडिशन की सीरीज चल रही है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 4 + 6 जोड़ दूंगा 9 में। तो 9 में जब 6 जोड़ा जाएगा तो 9 + 6 हो जाएगा 15। 9 + 6 = 15। अब देखिएगा, 6 जोड़ा हमने 19 में, अब हम 8 जोड़ेंगे 15 में, तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर 23 में 10 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, यानी कि +2 एडिशन, यानी कि 2 के पहाड़े के रूप में बढ़ती हुई सीरीज चल रही है। तो यहाँ 9 + 6 करेंगे तो हम 15 आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा डी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। तो देखिएगा, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है, ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी होता है, ये दिशाओं का ज्ञान हमें जरूरी। इधर क्या होता है, पूर्व, ऊपर की ओर होता है उत्तर, इधर की ओर होता है पश्चिम, और नीचे की ओर होता है दक्षिण। ये याद रखना है, फिर दायां और बायां जब मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो हमें उसके हिसाब से हम देख लेंगे। कहा है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो देखिएगा, पूर्व किस डायरेक्शन में, इधर, तो इधर की ओर 8 किलोमीटर गया। फिर उसके बाद कहा जा रहा है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। फिर कहाँ मुड़ जाता है, दक्षिण में, तो दक्षिण होता है हमारा नीचे। जब भी हम दाएं बाएं दक्षिण कहीं भी मुड़ेंगे तो 90° पे मुड़ेंगे। तो देखिएगा, नीचे की ओर 90° पे मुड़ गए हम, और कितना चलना है, 12 किलोमीटर। यहाँ ये चला गया 12 किलोमीटर। अब उसके बाद कहा जा रहा है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। तो देखिएगा, नीचे की ओर आया तो पश्चिम किधर है, इधर हमारा, तो इधर की ओर चला जाएगा और 8 किलोमीटर जाता है। तो ये भी 8 किलोमीटर की डिस्टेंस इधर से इधर तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी होगी, ये 8 ही होगी, ये प्रारंभिक बिंदु है इसका। तो यहाँ तक देखिएगा पश्चिम में मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है, तो ये 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है यहाँ पर हमने लिख लिया। इसके बाद फिर बाएं मुड़ जाता है। तो देखिएगा, पश्चिम में जब किसी व्यक्ति का फेस होगा तो बाएं हाथ उसका नीचे होगा। आप देखिएगा, इधर की ओर जब फेस होगा तो बाएं हाथ नीचे की ओर होगा, तो बाएं मुड़ जाता है और 13 किलोमीटर चलता है, ये 12-13 किलोमीटर चलता है बाएं मुड़ के। तो अब पूछा जा रहा है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कहाँ पर है। तो देखिएगा, प्रारंभिक स्थान मैंने ए माना है, अब यहाँ पर वो पहुँच चुका है। तो देखिएगा, डायरेक्शन तो हो जाएगी हमारी नीचे की ओर दक्षिण, और कितनी दूरी होगी, 12 दूरी है और 13 ये, तो 12 और 13 कितने हो जाएगा, 25। तो 25 किलोमीटर दक्षिण में है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 किलोमीटर दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में प्लस का अर्थ गुणा। देखिएगा, बोर्ड मास का क्वेश्चन है जो हमें दिया है, वो सबसे पहले हम उसे साइड में लिख लेते हैं। देखिएगा, प्लस का अर्थ दिया है हमें यहाँ पर गुणा, फिर कहा जा रहा है माइनस का अर्थ है प्लस, तो माइनस का अर्थ लिख लिया हमने यहाँ पर प्लस। फिर कहा जा रहा है गुणा का अर्थ है भाग, यहाँ देखिएगा गुणा का अर्थ है हमारा भाग। फिर इसके बाद है भाग का अर्थ है माइनस, तो भाग का अर्थ है हमारा माइनस। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा, जो हमें क्वेश्चन का मान निकालना है
उसमें हमें साइन चेंज करने होंगे जो जो हमें दिए हैं। तो सबसे पहले 18AC लिखेंगे हम, फिर है प्लस, देखिएगा प्लस को क्या कहा जा रहा है, गुणा कहा जा रहा है, तो प्लस के जगह क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा हमारा है 2, फिर उसके बाद है भाग का निशान है ये, तो भाग को क्या कहा जा रहा है, माइनस, डिवाइड को क्या कहा जा रहा है, माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। फिर हमारा ये 25 है, 25 के बाद है गुणा, गुणा को क्या कहा जा रहा है, भाग, फिर हमारा यहाँ पर ये 5, फिर माइनस, माइनस को कहा जा रहा है प्लस, फिर ये 10। अब क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। देखिएगा बोर्ड मास का रूल क्या होता है, BOD, बोर्ड, MAS। सबसे पहले ब्रेकेट हल करते हैं जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं, फिर ऑफ करते हैं वो भी नहीं है, फिर डिवाइड हल करते हैं, डिवाइड है, फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन हल करते हैं, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवाइड हल कर लेते हैं, जब 25 को भाग देंगे 5 से तो ये आ जाएगा हमारा 5, यहाँ पर ये माइनस AC। फिर देखिएगा उसके बाद हम सोल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो 80 की गुणा जब हम 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 160, 80 गुणा 2 हो जाएगा हमारा 160, माइनस 25 ये हमने सोल्व कर लिया, प्लस 10। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी सोल्व कर लिया, अब करेंगे हम एडिशन। तो एडिशन कैसे करेंगे, 160 में 10 जोड़ देंगे 170, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, 170 में से 5 गया तो 165, इसका आंसर हो जाएगा 165, 165 भी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया गया है पेन, पेंसिल और स्टेशनरी। देखिएगा स्टेशनरी क्या होता है, उसमें पेंसिल भी आती है, पेन भी आता है। तो स्टेशनरी हम एक बड़ा खाना बना लिया हमने गोला, ये हमारा स्टेशनरी है। फिर देखिएगा पेन और पेंसिल दोनों कैटेगरी दोनों की अलग अलग है। देखिएगा पेंसिल अलग ले लेंगे हम, स्टेशनरी में तो आती है पेंसिल, और पेन भी स्टेशनरी में आता है, तो दोनों को हम क्या करेंगे अलग अलग ले लेंगे, इस तरह से हमारा डायग्राम बन जाएगा। तो कौन से डायग्राम में दे रखा है ये, डी में, इसका आंसर हो जाएगा डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे फिर मिलेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।